हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कहा का ईशान। और आज की वीडियो में अपन लोग ले आए फ्रॉन्क्स का बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट, जो कि रहने वाला है डेल्टा वेरिएंट। और ये सामने खड़ी है सबसे बेस वेरिएंट, मतलब सबसे गरीब निठल्ला यही वाला वेरिएंट है। इस वीडियो में ये वाली गाड़ी का बात नहीं करने वाले हैं हम लोग, इसका बात करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से कम भाई, अगर आपको लेना ही है तो ये गाड़ी लोगों की, यार इसमें कुछ भी वैसा नहीं दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग इस फ्रंट लुक से कि सामने में क्या क्या कंपनी ने हमें इस बार दिया है। तो जैसा टॉप मॉडल में आप देखते हैं कि यहाँ पे LED DRL है, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नीचे प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है कम से कम, वो बहुत अच्छी बात है। सामने का जो ग्रिल है इसमें क्रोम का फिनिश दिया गया और नीचे पूरी प्लास्टिक दी गई है। साइड से अगर हम लोग साइड व्यू लें तो यहाँ पे कोई अलॉय व्हील आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस पेंटेड आपको व्हील्स मिलेंगे, जिसका आपको व्हील कवर भी देखने को मिल जाएगा। क्लैडिंग लगा के दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर मैं आपको ये मॉडल इसलिए लेने बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें यार मतलब ये भी नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ब्लैक है, तो आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। उससे बढ़िया यार ये देखो, यहाँ पे हमें LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं और पेंटेड भी है। साइड की बात करें यहाँ पे पेंटेड हैंडल्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे पूरा ब्लैक है तो पेंटेड हैंडल्स भी दिए गए, तो आपको इसको भी नहीं कुछ कराना पड़ेगा। बात करें थोड़ा अंदर से, आओ देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो बात करें साइड से, तो यहाँ पे जो पूरा जो गद्दा है ये प्लास्टिक का है, यहाँ पे हमें जो फैब्रिक की अपॉलस्ट्री दी गई है ये काफ़ी अच्छी बात है। टॉप मॉडल में यहाँ पे ये वो लेदर टाइप का आता है, तो यहाँ पे फैब्रिक का ये तो आप खैर बाहर से करवा ही सकते हो। बात करें यहाँ से तो आपको यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल मिरर्स देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, तो इसमें अभी आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। ये जो है ये क्रोम का नहीं है, लेकिन खैर ये भी लग जाता है। अंदर से बात करें तो स्टेयरिंग सबसे पहले जो हमें दिखता है ये फ्लैट बॉटम दिया गया है, पर ये पूरा ऑल ब्लैक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसके कुछ कंट्रोल्स जो कि उस वाले मॉडल में नहीं है। मेरे चैनल पे उसका भी रिव्यू है, वो भी आप जाके देख सकते हो। मीटर जो है ये बिल्कुल टॉप मॉडल से सिमिलर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, जो कि बेस मॉडल में भी है और इस मॉडल में भी है। गियर नॉब जो है वो भी बिल्कुल टॉप मॉडल वाली ही दी गई है, बेस मॉडल में ये पूरा ऑल ब्लैक है। इसमें एक और खास बात है कि यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी सेम टॉप मॉडल वाला ही फिनिश दिया गया है, बस यहाँ पे जो ये प्लास्टिक दिया गया है टॉप मॉडल में ये सॉफ्ट टच लेदर रहता है। बाकी टॉप मॉडल में भी हमें ये फैब्रिक का ही मिलता है, यहाँ पे भी ये फैब्रिक का है। और मेरी पूछो तो मुझे तो यार फैब्रिक वाले सीट्स ही ज़्यादा पसंद आते हैं। पीछे भी सब चीज़, बाकी यार सब चीज़ सेम फ्रॉन्क्स जैसा ही है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको मिली, मतलब इसमें क्या है ना कि आपको बहुत कम खर्चा होगा, काफ़ी कम चीज़ें आपको लगवानी पड़ेगी, बस एक अलॉय व्हील डलवा लो और ये टॉप मॉडल बन जाएगा। बाकी तो सब वही सेम बूट स्पेस आपने देख ही रखा है, वही बलेनो का इंजन इसमें देखने को मिलता है। अंदर से भी गाड़ी सेम है, यहाँ पे इसका व्हील कवर रखा गया है जो कि आपको साथ में दे दिया जाएगा। तो यही थी कुछ मेन डिफरेंस जो कि बेस मॉडल और इसमें है। और मेरे ख्याल से यही गाड़ी को लेना चाहिए क्योंकि बेस मॉडल में कुछ भी वैसा नहीं दिया गया, मतलब काफ़ी बेसिक रखा गया है उस गाड़ी को। तो मेरे ख्याल से अगर फ्रॉन्क्स देखना चाह रहे हैं और लेना चाह रहे हैं तो कम से कम इस मॉडल में इन्वेस्ट करें, आपका खर्चा भी कम होगा और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई। तो यही थी वीडियो, वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मिलते हैं ऐसी, शेयर करना। यस, शेयर करना।